हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे। तो ये क्रेन है टडानो, ट्रक माउंटेड 60 टन की है क्रेन जी, 4 एक्सल की है, सिंगल इंजन दिया है इसमें। ऑपरेटिंग के लिए और ट्रैवल के लिए एक ही इंजन है, ये सिंगल इंजन है। तो मैं ऑल फंक्शन बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कि नेक्स्ट वीडियो में बना के डालूँ तो आप लोग के पास तक ले पहुँच जाए। तो चलिए मैं ऑल फंक्शन बताता हूँ। बूम पर लिखा है टडानो, इसका फिक्स काउंट ऑफ वेट है GT10600EX, 60 टन के क्रेन है। तो राइट साइड में दिया है डीजल टैंक, यहाँ से डीजल आप डाल सकते हैं। सो ऑयल ऑयल आप चेक कर सकते हैं, इंजन ऑयल। क्रेन के ऊपर साइड में दिया है, यहाँ पे आप स्टेपनी रख सकते हैं, दिया है ऑप्शन, दिया है यहाँ पे स्टेपनी रखने के लिए। लेफ्ट साइड में दिया है हाइड्रोलिक टैंक, यहाँ से ऑयल चेक कर सकते हैं आप, हाइड्रोलिक ऑयल। अभी जग पर लगा है जी, जग पर लगा है इसीलिए हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ कम बता रहा है। जब क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे लेवल बताएगा हाइड्रोलिक ऑयल का। तो मैं ड्राइविंग केबिन का डोर ओपन किया, ऑल फंक्शन बताऊंगा नीचे में कैसा इसका फंक्शन दिया है, सस्पेंसर का, ये एक्सीलेटर है, ब्रेक है, एक क्लच है। तो मैं इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ, उससे पहले बैटरी ऑन करना है। स्टेयरिंग के जस्ट नीचे साइड में दिया है, चाबी दिया है। तो इसे सेल्फ मारेंगे तो सेल्फ नहीं लेगा, इसके लिए क्लच दबाना पड़ता है। क्लच दबेंगे इसके बाद स्टार्ट होगा इंजन। इंजन स्टार्ट हो गया तो क्लच दबाना पड़ेगा, इसके बाद इंजन स्टार्ट होता है। ये जो बटन है, ये चारों इंडिकेटर जलेगा, इसे चारों इंडिकेटर जलेगा। ये डीजल का है, डीजल कांटा है, ये टेम्परेचर, टेम्परेचर का कांटा दिख रहा है यहाँ पे, ये टेम्परेचर बताता है। ये कितने के स्पीड में चल रहे हैं वो स्पीड बताएगा। ये किलोमीटर है जी, किलोमीटर यहाँ पे शो कर रहा है। ये आरपीएम के काटा है, आरपीएम है 500। ये एयर के दोनों काटा दिख रहा है, एयर फुल है। हैंड ब्रेक लगा है उसका, यहाँ पे शो कर रहा है लाइट। ये सस्पेंसर अभी लॉक है, पुल डाउन करके सस्पेंसर लॉक हो गया है। हॉर्स मीटर दो दिया है, तो यहाँ पे भी हॉर्स मीटर लिखा है और यहाँ पर भी शो कर रहा है हॉर्स मीटर, दो हॉर्स मीटर दिया है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में दिया है, इसमें डिपर है, वाइपर का दिया है, हॉर्न का है। स्टीयरिंग के राइट साइड में दिया है इंजन कंट्रोल का, ये पीछे खींचेंगे तो इंजन कंट्रोल शो करेगा डिस्प्ले में, यहाँ पे डिस्प्ले में शो कर रहा है। इसको आगे कर देंगे यहाँ पे इंजन कंट्रोल का हट जाएगा सैंपल जी। ये गियर है, इसमें दिया है 1, 2, 3, 4 और ये लो दिया है, रिवर्स का भी यहाँ पर दिया है। तो अभी ये लो में है, लो में है तो 4 तक ले गियर लगा सकते हैं आप, 4 तक ले गियर लगा सकते हैं। इससे जैसे 4 से ज़्यादा लगाना है तो 1 की जगह 5 और 2 की जगह 6 और 3 की जगह 7 और 4 की जगह 8 गियर लगेगा। तो उससे पहले आप इसको न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल करके यहाँ पे बटन दिया है हाई लो का, तभी लो में है, इसको ऊपर उठा के वह गियर चेंज करेंगे आप। यहाँ पर 1 की जगह 5 लगेगा, इसे गियर आप चेंज करेंगे। ये लो दिया है, ये लो बेट पर चढ़ाने के लिए, ये लो में डाल देंगे तो आप लो बेट पर चढ़ाएंगे। यहाँ पे बटन नहीं दिया है,
हाई का या यहाँ पर जो है 4x4 का बॉटम नहीं दिया है, ले दिया है यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक का, तो ये डिफरेंशियल लॉक नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करना है। लो गेट पर चढ़ाना है तो लो में डाल देंगे, इसके बाद लो गेट पर चढ़ाएंगे। आप पीछे साइड में दिया है हैंड ब्रेक है, तो अभी मैं PTO लगाना है, तो पहले क्लच दाब के 4 नंबर गियर लगाना है। 4 नंबर गियर लगा है, अब PTO का ये बटन है, ये PTO के बटन है, इसको नीचे कर देंगे। यहाँ पे PTO यहाँ पर शो कर रहा है, स्लोली स्लोली क्लच छोड़ना है, स्लोली स्लोली क्लच छोड़ना है। PTO लग गया, यहाँ पे न्यूट्रल शो कर रहा है। तो ये जो लीवर है ये चारों जग का है, नीचे दाबेंगे तो चारों जग लगेगा, इसको नीचे दाबेंगे जग लगेगा, इसको ऊपर उठाएंगे तो जग टूटेगा। ये आगे का दिया है जग के लिए जी, केबिन के जस्ट नीचे साइड में दिया है, जग दिया है केबिन के नीचे साइड में, जग दिया है ये उसके लिए, ये लीवर दिया है। तो अभी मैं चारों जग डाउन मार लेता हूँ, इसको नीचे दाबना है, ऊपर दाबना है वाले। ये चारों जग के लिए है, ये केबिन के नीचे साइड में जग दिया है, उसके लिए ये दिया है लीवर दिया है। तो नीचे दाबेंगे तो जग लगेगा, ऊपर उठाएंगे तो डाउन होगा। इसको मैं न्यूट्रल कर देता हूँ, बीम निकालना है, इसको ऊपर उठाएंगे, इसको लीवर नीचे दाबेंगे तो बीम निकलेगा, इसको नीचे दाबेंगे बीम निकलेगा। बीम निकल गया फुल, तब इसको बीम बोलते हैं, और बिगर बीम, इसको बोलते हैं जग, ये जग है। तभी अब ट्रिगर बीम अंदर कर देता हूँ, इस लीवर को ऊपर उठाएंगे, बीम अंदर होगा, अंदर हो गया। तो बीम का जग का यहाँ पर दिया है, ये मास्टर बटन है, ये जो लीवर है बीम का और ट्रिगर बीम और जग का यहाँ पे वो लीवर दिया है, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। तो ड्राइविंग केबिन में जाता हूँ और PTO छुड़ा देता हूँ, मैं केबिन में आ गया। तो इसको फुल क्लच दाबना है, इसके बाद इसको न्यूट्रल करना है, ये न्यूट्रल हो गया, इसके बाद इस बॉटम को छुड़ा देना है, ये PTO का बॉटम है। अभी क्लच स्लोली स्लोली छोड़ना है, यहाँ पे एच बता रहा है, जब PTO लगेगा तो न्यूट्रल बताएगा। तो ये था PTO लगाने का, कैसे इसका दिया है सिस्टम, वो सिस्टम में बताया इसका PTO कैसे लगाना है। तो 4 नंबर में गियर डालना है, फुल क्लच दाब के, इसके बाद ये बटन को नीचे कर देना है, PTO वाला बटन को, और स्लोली स्लोली क्लच छोड़ना है। तो ये PTO का बटन है, ये सस्पेंसर डाउन करना है तो ऊपर करके बटन को, इसके बाद इसे डाउन कर देंगे, और टू लेवल करना है तो इस बटन को नीचे दाब के सस्पेंसर यहाँ से उठाएंगे। तो अभी मैं लग रखता हूँ, ये जो है डिफरेंशियल लॉक है, तो ये कब यूज किया जाता है, लो में डाल के गियर, पहले लो में गियर डाल देना है, लो में गियर डाल के इसके बाद डिफरेंशियल लॉक करते हैं। कब इसको यूज किया जाता है, जैसे किचन में फंस गया एक टायर
एक साइड का टायर नाच रहा है, तो अब इसको यूज किया जाता है और सीधा सीधा निकालना है स्टीयरिंग, टर्न नहीं मारना है, स्टीयरिंग को घुमाना नहीं है, सीधा निकालना है। तो ये डिफरेंशियल लॉक जो बोलते हैं हम लोग, वो एक्सल लॉक कर देता है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल लॉक। तो इसको उस टाइम में यूज करना है, कहीं क्रेन फंस गया, नहीं निकल रहा है, एक टायर का एक साइड का टायर नाच रहा है, तो अब इसको यूज करना है, न तो नहीं। लो बेड पर चढ़ाना है, तो लो में डाल के, ये भी जो है, ये जो डंटी दिख रहा है ये नीचे रहेगा, ये भी लो में रहेगा। इसके बाद लो गियर में डाल के लो बेड पर चढ़ाना है। तो अब ये जो है गिलास सीट होता है, उसका ये बॉटम दिया है, गिलास सीट होता है, जैसे ठंडी में चलते हैं तब के लिए दिया है, गिलास सीट होगा। ये लाइट का है, ये भी बॉटम लाइट का है, ये भी लाइट का है। तो मैं सस्पेंसर लेवल करके बता देता हूँ, इसको नीचे दबेंगे, ये लेवल का बॉटम पकड़ के रखेंगे, यहाँ पे शो करेगा डिस्प्ले में, हल्का रेस लेंगे, लेवल हो जाएगा तो लाइट स्टॉप हो जाएगा, अप डाउन नहीं करेगा। जी ये लेवल हो गया, अभी डाउन करना है सस्पेंसर, तो इस बॉटम को ऊपर उठा देंगे और इस बॉटम से डाउन कर लेंगे सस्पेंसर। जी डाउन हो गया, फुल डाउन हो गया। तो ये था डाउन करने का बताया, और ऑटो लेवल करके बताया, इसको बटन को नीचे कर देंगे, इसके बाद लेवल वाला बटन पकड़ कर रखेंगे, यहाँ पे लेवल हो जाएगा तो लाइट स्टॉप हो जाएगा। ये लेवल करने का बता दिया, और डाउन करने का सस्पेंसर डाउन कैसे करना है, तो ऊपर आएगा, इस बटन को दाब कर रखेंगे तो सस्पेंसर डाउन हो जाएगा। इसके बाद अब जक निकालिए, पीटीयू डाल के यह काम उम करना है तो आप कर सकते हैं, चाहे पार्किंग करना है तो पार्किंग भी कर सकते हैं क्रेन को। तो नीचे के ऑल फंक्शन में बता दिया हूँ, ऑल फंक्शन में बता दिया हूँ, ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है वो भी मैं बता दूंगा। तो पहले मैं पीटीयू डाल लेता हूँ, इसके बाद ऑपरेटिंग का ऑल फंक्शन बता दूंगा। तो सस्पेंसर तो डाउन है, अभी मैं क्लच पकड़ लेता हूँ, क्लच पकड़ के चार नंबर गियर डाल लेता हूँ, चार नंबर गियर डाल दिया। इसके बाद पीटीयू लगा दिया, स्लोली स्लोली, यहाँ पर न्यूट्रल बता रहा है, स्लोली स्लोली क्लच छोड़ना है। ये पीटीयू लग गया, ऑफिसर बीम निकाल के जक लगा लेता हूँ, ऑफिसर बीम निकल गया, तो मैं क्रेन को लेबल कर दिया हूँ जक पे, और टिकर जक पे क्रेन लगी है, पैड भी लगा है। तो मैं ऑपरेटिंग केबिन में आ गया हूँ, तो मैं ऑल फंक्शन बताऊंगा इसका, ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है। ये एस्केलेटर है, ये बूम अप डाउन के लिए ये लीवर दिया है जी, ये लेग से भी कर सकते हैं बूम अप डाउन, इससे बूम स्टेन होगा, बूम अंदर होगा। इससे पहले मैं चाबी ऑन कर लेता हूँ, अभी आउटरिगर भी सेटिंग नहीं है इसीलिए साउंड आ रहा है। इसको ये फुल हो गया है, इसको मैं इंटर कर देता हूँ, जी इंटर हो गया, फुल आउटरिगर बीम सेटिंग हो गया, इसलिए अभी साउंड चला गया। ये जो बॉटम है, ये केबिन के जो गिलास है, ये गिलास है, इसको डाउन ऑफ करने के लिए दिया है। ये वाइपर का बटन दिया है यहाँ पे, ये सेफ्टी लाइट का है, ये वाइपर का पानी पुश करेंगे तो देगा, ये स्विंग फ्री के लिए है,
ये एक ज्वेलरी हुक यहाँ से बंद हो जाएगा जी, इसको कर लेंगे तो एक ज्वेलरी हुक बंद हो जाएगा। अभी चालू कर देता हूँ, एक ज्वेलरी हुक लगा है, ये एस्केलेटर के लिए ये दिया है, इसको बाहर खींच के इसको घुमाएंगे तो एस्केलेटर ज़्यादा कम यहाँ से कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक स्विंग लॉक है, इलेक्ट्रिक वाला स्विंग लॉक ये दिया है, तभी स्विंग लॉक हो गया, स्विंग अनलॉक हो गया, लॉक अनलॉक के लिए ये दिया है। ये बाईपास की चाबी है जी, ये बाईपास की चाबी दिया है, ये ओवरलोड जैसे कि ओवरलोड के भी चाबी दिया है यहाँ पे, ये बाईपास का बटन है। यहाँ से एसी ऑन ऑफ यहाँ से होगा, ये फ्लाईजिप लगा है, ये नीचे रहेगा चाबी। ये एरर आ जाता है तो एरर इसको निकालना है बूम का, इसको पुश करके, इसको पुश करके थोड़ा सा बूम अंदर लेंगे, थोड़ा सा बूम को अंदर लेंगे तो एरर निकल जाएगा, वहाँ से भी निकलता है। ये जो चाबी दिख रहा है आउटर का बीम का है बाईपास के लिए। ये हाइड्रोलिक फैन यहाँ से ऑन ऑफ होगा, हाइड्रोलिक फैन हीट होता है तो इसको चालू करते हैं, हीट ना होए इसके लिए है हाइड्रोलिक फैन के लिए। ये लाइट का है, ये वाइपर का है, केबिन के ऊपर साइड का वाइपर के बटन है, ये पुश करेंगे तो पानी देगा। ये मैकेनिकल स्विंग लॉक यहाँ से लगा सकते हैं, इसको इधर घुमा के ऊपर खींचेंगे तो स्विंग लॉक निकल जाएगा। अभी स्विंग लॉक लगा है, मैकेनिकल स्विंग लॉक है, सीट के राइट साइड में दिया है, सीट के राइट साइड में ये लीवर दिया है, इसे बूम डाउन बूम अप, मेन हुक डाउन मेन हुक अप ऐसे दिया है, हैंड से भी दिया है और लेफ्ट से भी दिया है, इसे बूम अप डाउन यहाँ से भी कर सकते हैं आप। लेफ्ट साइड में जो लीवर दिया है इससे स्विंग होगा लेफ्ट राइट, हॉर्न का भी इसमें दिया है बटन, इसे एक ज्वेलरी हुक डाउन होगा अप होगा, यहाँ से एक ज्वेलरी हुक बंद कर देंगे, एक ज्वेलरी हुक नहीं लगा है तो आप यहाँ से भी बूम निकाल सकते हैं, ये बटन दिया है। एक नंबर बूम जब निकल जाएगा तो इस बटन को पुश करके आगे देंगे तो दो तीन चार बूम निकल जाएगा, तो आप एक ज्वेलरी हुक का बटन बंद कर देंगे, एक ज्वेलरी हुक का बटन बंद कर देंगे तो यहाँ से बूम निकाल देंगे, यहाँ से भी बूम निकलेगा, बूम अंदर भी होगा। बाई चांस एरर आ गया बूम का या स्विंग का आ जाएगा, जैसे कि इस बटन को पुश करके इंटर कर देंगे तो एरर यहाँ पर शो करे, तभी एरर निकालना है तो बूम का पुश करेंगे आइए फोन दबेंगे एरर निकल जाएगा। काउंटर बेट सेट करना है, कभी कभी मांगता है काउंटर बेट सेट करने के लिए, इसको पुश करेंगे फिर यहाँ पे इंटर कर देंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे। पार्ट लाइन चेंज करना है तो कम या ज़्यादा करना है तो F3 से F4 से कम ज़्यादा होगा, इसका फुल पार्ट लाइन 12 है तो मैं F3 से पार्ट लाइन कम करता हूँ, 6 पार्ट लाइन है अभी, इंटर करता हूँ। इसका बूम सेटिंग करना है तो बूम को पुश करेंगे इंटर करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे अभी 2-3-4 नंबर बूम निकलेगा, इसको F3 से 1 में सेव करता हूँ, ठीक सेव हो गया 1 में। तो एक नंबर बूम जब फुल निकल जाएगा और फिर 2-3-4 निकालना है तो उससे पहले ये जो लीवर दिख रहा है, एक नंबर बूम जब फुल निकल जाएगा तो इस बॉटम को ऐसा पुश करेंगे, पुश करके इसके बाद ये जो पैडल है इसको दाबेंगे आगे की तरफ तो बूम निकलने लगेगा, ये दाबेंगे तो 2-3-4 निकलेगा, एक नंबर बूम जब फुल निकल जाएगा तो, और नहीं तो 2-3-4 का ज़रूरत है तो एक नंबर बूम में सेफ नहीं करेंगे, एक नंबर बूम में सेफ नहीं करना है, इसको बूम में दाबेंगे इंटर करेंगे
अभी जैसे कि हमको जरूरत है 2-3-4, तो 2-3-4 में आप सेव कर देंगे F4 से, यहाँ पर इंटर कर देंगे 2-3-4 बूम निकलेगा। या फुल जरूरत है फुल बूम निकालने के लिए, तो पहले बूम में खुद आपेंगे इंटर करेंगे, इसके बाद F3 से 1 में सेव इंटर करेंगे, 1 में सेव हो गया एक नंबर बूम। जब फुल निकल जाएगा तो इस बॉटम को पुश करके रखेंगे, फिर पैडल देंगे तो 2-3-4 बूम निकलेगा। जब एक नंबर फुल हो जाएगा इसके बाद निकलेगा 2-3-4 बूम निकलेगा, ठीक है। ये जो बॉटम है आप स्विंग का सेंटर देख सकते हैं, यहाँ पे सब बता रहा है, विंड स्पीड के भी यहाँ पे बता शो कर रहा है, ये कैपेसिटी यहाँ बता रहा है 15 टन। ये रेडियस है, ये एंगल है, अभी फुल डाउन है बूम, ये बूम लेंथ है 10.9, ये पार्ट लाइन 6 है, फुल आउटरिगर बीम सेटिंग है। स्लीवर को पीछे की तरफ खींचेंगे, बूम अप होगा, बूम अप हो रहा है, एक नंबर बूम ग्रीसिंग हो गया है, अब 2-3-4 निकालना है। तो एक नंबर बूम ग्रीसिंग हो गया है, तो अब 2-3-4 निकालना है, तो पहले जाएंगे बूम में, इसके बाद इंटर करेंगे, इसमें शिफ्ट करना है, इसमें 3 बूम निकलेगा, इंटर करेंगे, इसके पास रेस पकड़ेंगे, एक्सटेंड करेंगे बूम, बूम निकाल रहा है 2-3-4 नंबर बूम निकल रहा है। बूम निकल रहा है, यहाँ पे लेंथ बता रहा है बूम का, 3 पीस बूम निकला है, 35 मीटर निकला है 3 पीस। तभी ग्रीसिंग करना है, तभी मैं बूम डाउन करूँगा ग्रीसिंग के लिए। बूम डाउन हो रहा है, यहाँ पे एंगल शो कर रहा है 26, बूम डाउन नहीं होगा, 5 के एंगल है तो बूम डाउन नहीं हो रहा है, तो ये बाईपास दोनों लेना पड़ेगा चाबी का, ये दोनों बाईपास लेना पड़ेगा, ये बटन भी और चाबी भी लेना पड़ेगा, तो बूम डाउन होगा। देखिए बूम डाउन हो रहा है, फुल डाउन हो गया है, ग्रीसिंग के लिए बूम डाउन किया हूँ, माइनस में है, अभी -1 है, 1 पॉइंट है। सेकेंड नंबर बूम ग्रीसिंग हो रहा है, 3 पीस है, सेकेंड नंबर बूम ग्रीसिंग हो रहा है। हमनसूर भाई क्या हो रहा है? बूम ग्रीसिंग हो रहा है। तो ऑल फंक्शन में बता दिया हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कि नेक्स्ट वीडियो में बना के डालूँ तो आप लोगों के पास तक पहुँच जाए। ट्रक माउंटेड क्रेन GT-10600EX। तो ऑल फंक्शन बता दिया हूँ, तो ओके दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।